हमारे शादी में आए हैं नाना नानी, बहुत खुशी हुआ। करीब भी आशीष यादव जी का फैन है। हाँ, आशीष यादव का फैन हूँ क्योंकि उनका हम नाना नानी लगते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। आप उनका नानी हुए? हाँ। आपके हस्बैंड उनका नाना हो गया? हाँ, नाना के फैन हूँ क्योंकि उनका हम नाना नानी लगते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। आप उनका नानी हुए? हाँ। आपके हस्बैंड उनका नाना हो गया? हाँ, नाना के। बनाए तो बोलता है कि हमको शर्म लगता है नानी साथ बनाने में। बनाए तो बोलता है कि हमको शर्म लगता है नानी साथ बनाने में। गिर जैबो छौड़ी हाथ गोड़ा टूट जैतोगे, अति के सहारे चढ़ जो कंप नहीं देख पैतोगे। न दियो न खोजियो गे बगियो न खोजियो, नहीं चलो बट के करा से पूछियो। चिंटुआ के भूला लीगे सुगनिया, आशीष के भूला लीगे सुगनिया। बक्का जिला में हो गेल पारा चार गे छौरी है गे, जमुई जिला में हो गेल पारा चार गे छौरी है, डीजे वाला छौरा संगे फरार गे, है डीजे वाला छौरा संगे फरार गे। साथियों, अभी हम जो हैं चिंटू राइटर चिंटू राजा जी के घर पे हैं और आप देख सकते हैं गाना लेने के लिए दूर दूर से लोग इनके घर पे आ रहे हैं। तो मेरा पहला मुलाकात है, चलिए हम मिलवाते हैं और जानकारियां लेने का प्रयास करते हैं। किस गांव से आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, ये सारा जानकारी जो है हम लेते हैं। स्वागत है जी आपका। भैया का चैनल में सभी को स्वागत है। सच्चाई आज का माध्यम से सभी को दर्शकों को प्रणाम। आप लोग भैया को भी सपोर्ट कीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए जी। नाम थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम है ब्यूटी कुमारी जी। आप भी क्रिएटर हैं? हाँ, क्रिएटर हैं जी। क्या किस प्रकार से आप वीडियो बनाते हैं थोड़ा सा दर्शक को बताइए। शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं और मैंने ब्लॉग बनाते हैं। हाँ, ब्लॉग बनाते हैं और शॉर्ट वीडियो बनाते हैं जी। किस गांव से आप रहने वाले हैं, जिला का नाम बताइए थोड़ा सा। आप जम्मू जिला से हैं? हाँ, जम्मू जिला से है। मेरा प्रखंड झाझा पड़ता है, गाँव का नाम कानन है जी। कब से आप वीडियो बना रहे हैं? 1.5 साल हो गया लगातार। हाँ। कौन आपको मार्ग दिया वीडियो बनाने के लिए, कैसे आप सीखे, कैसे इस लाइन में आप आए? मम्पी डॉट राहुल जानते होंगे सभी लोग क्योंकि वो बहुत हाई लेवल में हैं। तो उनका वीडियो हम 2016 से देख रहे थे, तो उन्हीं के माध्यम से हमको बताई है मम्पी सिस्टर ने उनका घर। जब मेरा 600 सब्सक्राइबर था तो हम गए मिलने के लिए, तो सिस्टर ने बताए। लेकिन हम लोग हिंदी गाना पर पहले बनाते तो नहीं भीज जा रहा था, तो हमने आशीष का गाना से बनाने लगे तो भीज जाने लगा जी। आप एक चीज बताइएगा, अभी जो है चिंटू राजा जी के घर पे आप आए हैं तो किस पर्पज से आए हैं, किस काम के लिए आप यहाँ पे आए हैं? क्योंकि गाना गाने के लिए आए हैं, गाना लेने के लिए। चिंटू भैया से फर्स्ट बार हम मिल रहे हैं तो अच्छा लगा मिल के, और शॉर्ट वीडियो भी बना लेंगे। मैंने आप पहले शॉर्ट वीडियो बनाती थी। हाँ। लेकिन आप गाना भी आपको गाना है? हाँ, आप गाना भी गाना है। आप ही गाएंगे कि कोई दूसरा? नहीं, पहले हम गाएंगे, उसके बाद मेरा बेटा गाएगा पुरुषोत्तम जी। कितने बच्चे हैं आपको? 2 बच्चे। बच्चा को भी सिंगर बनाना है? हाँ, बच्चा को भी सिंगर बनाना है। मैंने पूरा इंटरेस्टेड है, घर में कहीं कोई तरह की दिक्कत नहीं है? नहीं। वीडियो जब आप बना रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको घर में फैमिली में कौन सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है? पहले तो कोई भी नहीं करते थे, नहीं तो मैके के, नहीं तो ससुराल के। पति जी भी नहीं करते थे? नहीं, मेरा हस्बैंड करते थे। वही उनसे सपोर्ट है? हाँ। तो सबसे सपोर्ट है? हाँ, दोनों मिलकर बनाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों। कहीं कोई प्रकार की दिक्कत हम नहीं? नहीं, कहीं प्रकार को भी दिक्कत नहीं। आशीष यादव जी का आप फैन है, उनका गाना भी आप सुनते हैं? हाँ, उसका गाना। सबसे फेवरेट गाना उनका थोड़ा सा बताइएगा। ऐसी भी उनका गाना तो सब गाने पर रील्स बनाते हैं। कितना सब्सक्राइबर है अभी आपका? 60,400। अच्छा। और आप जो है प्लान कर लिया कि नहीं सिंगर बनना है? हाँ, सिंगर बनना है। इसी पर्पज से आप यहाँ पे आए? हाँ, इसी लिए आए हम। बहुत दिन से सोच रहे थे आएंगे, चिंटू राजा से मिलेंगे और गाना लेंगे। इतना भी गाना है आप गाते हैं, आप अपना नाती का ही गाना गा रहे हैं? हाँ, और भी गाते हैं सब का वीडियो। रोशन रोज का भी वीडियो बनाते हैं उनका गाना पर, और अमित आशिक का,
मैंने जितने भी मगी का है सबका हम गाना। सबसे अभी मगी में बहुत सारे स्टार हैं, हाँ। लेकिन सबसे ज़्यादा गाना आपका सबसे बढ़िया किसका लगता है? ऐसे तो हम बनाए वीडियो तो मेरा 9 मिलियन से क्रॉस कर गया है पवन सिंह का। अच्छा, आपका चैनल किस नाम से है तो दर्शक को बताइए। मेरा चैनल का नाम है रंजीत लव ब्यूटी 143। यूट्यूब और इंस्टाग्राम का सेम आईडी है, फेसबुक का है रंजीत कुमार। अच्छा, मेरा 3 यूट्यूब 3 इंस्टाग्राम 2 फेसबुक। मैंने सभी मोनेटाइज है? नहीं, वो सब एक तो अभी मेरा एनिवर्सरी था ना, तो मेरा हस्बैंड हमको गिफ्ट दिया था, तो उसमें अभी 1000 सब्सक्राइबर हुआ है मई में। अभी तक मैडम बहुत दिनों से आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, आप काम भी कर रहे हैं, अच्छा खासा आपका व्यू भी जा रहा है, कितना अर्निंग कर लिया यूट्यूब फेसबुक से? अभी तो नहीं की अर्निंग, अभी तक नहीं हो पाया अभी अर्निंग, लेकिन बच्चे के प्रति भी आपका भावना है कि नहीं, हम बच्चे को सिंगर बनाएं? हाँ। छोटू थोड़ा सा इधर आजा बाबू, क्या नाम है? पुरुषोत्तम कुमार मेरा नाम। आपको भी सिंगर बनने का सपना है बाबू? हाँ। पापा मम्मी दोनों सपोर्ट कर रहे हैं आपको? हाँ। तो मेरा बेटा इस गाना पर रील्स बनाए इंस्टाग्राम पर, तो बहुत अच्छा खासा व्यूज गया है, क्योंकि 40,000 के आसपास गया है। मैंने सभी परिवार सोच लिए कि यूट्यूब पे काम करना। हाँ, यूट्यूब पर काम। गांव वाला आदमी जब बनाते हैं तो गांव वाले आदमी ताना मारते होंगे, कुछ बोलते होंगे, तो वो सब चीज़ों को कैसे आप लोग संभाले? हम लोग बोलता था, हम लोग इग्नोर कर देते थे, कोई बोलता था हमको उससे। सबसे ज्यादा कौन ज्यादा बोलता था, सास ससुर या टोल पड़ोस? नहीं नहीं, मेरा सास ससुर नहीं बोला है, मुंह पर कोई भी नहीं बोला। गोतनी तो बोलते होंगे, गोतनी आप? हाँ हाँ, पीठ पीछे तो बोलते थे। बोलते थे कि ये लोग जो है नाच वाला काम करते हैं। हाँ, हाँ। डांस भी आप कर लेते हैं ना? हाँ, डांस भी कर लेते हैं। डांस का गाना डांस आप कहाँ से सीखे? खुद से, स्कूल में पढ़ते थे तब सीखे थे। मैंने बचपने से आप? हाँ, बचपने से। डांस कर लेते हैं, गाना पे भी बना लेते हैं आप? हाँ। गाना गाने जा रहे हैं आप? हाँ, गाना गाने जा रहे हैं, हम खुद से डांस कर लेते हैं जी। आप जिस गांव से हैं उसी गांव में मगही स्टार आशीष यादव जी का नानी घर है, आप उनका नानी हुए? हाँ हाँ, नानी हुए उसको। अच्छा अच्छा, तो अभी आप आशीष यादव जी मिलते हैं आपसे तो पैर छूते होंगे, प्रणाम करते होंगे नानी? हाँ, उसका क्या बोलते हैं? हाँ, उसका शादी में गए हैं तो बोले हैं कि मेरा शादी में नाना नानी आए हैं, बहुत खुशी हुआ है। कैसा लगता है कि आपके आप जो है आपका नाती जो है सुपर स्टार बन गए, बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं, सभी जगह उनका गाना सुना जाता है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी मिलता है कि चलो हो गया है, आशीष यादव हमको नाती लगता है, बहुत बड़ा स्टार बन गए, हम लोग को भी सपोर्ट करते हैं, जब आते तब रील्स बना देते हैं, लेकिन हम लोग मेरे साथ डांस करके नहीं बनाते, ऐसी लिप सिंक से करते हैं डांस का। आप, आपको लगता है नाती के साथ में डांस करें? हमको लगता है, वो बोलता है कि नानी है। सभी लोग जानता है कि कानन उसका नानी घर है, तो सभी बोलता है कि हमको नाती लगता है, सब बोलता है कि देख लिया है आशीष यादव को, बहुत लोग नहीं देखता है तो बोलता है, तो हम लोग बोलते कि हाँ हम लोग के साथ में तो वीडियो बनाया, अब तो सभी जानता है, मेरा अच्छा खासा व्यूज भी जाता है, सब्सक्राइबर भी हो गया जी। तो साथियों हम लोग जो है आशीष यादव जी का नानी घर जाएंगे, क्रिएटर देखिए हमको मिल गए, इनसे भी हम लोग सपोर्ट लेंगे, उनका मामू से भी हम लोग इंटरव्यू करेंगे, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। थोड़ा सा आप अपना नाम बता दीजिए फिर से लास्ट में। मेरा नाम ब्यूटी कुमारी हुआ है, चैनल का नाम है रंजीत लव ब्यूटी 143 जी। घर आपका हो गया कानन? कानन, झाझा प्रखंड। हाँ, झाझा प्रखंड पर है। जिला हो गया जम्मू? जिला जम्मू। तो क्रिएटर हैं, सीखिए इनसे, बहुत सारे महिला लोग बोलते हैं कि हमको लाज लगता है डांस करने में, रील बनाने में लाज लगता है, लेकिन एक महिला है बच्चे और अपने पति के साथ में जो है चिंटू राजा जी से मिलने के लिए आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको इनसे मिलके, और इनको भी सपोर्ट कीजिए, ये चैनल का नाम ही अपना बताई है, इनके चैनल पे जाइए विजिट कीजिए और इनका रील को देखिए और इनसे सीखने का प्रयास कीजिए। तो अभी जो है बहुत जल्द इनका गाना भी आने वाला है, तो हम लोग इनका गाना का भी प्रमोशन करेंगे और इनको सभी लोग मिलके सपोर्ट कीजिए, तभी ये भी आगे बढ़ेगी और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। कुछ गाना जल्दी जल्दी मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा दीजिए, सभी लोग सपोर्ट करिए, रंजीत लव ब्यूटी सब्सक्राइबर कर दीजिएगा तो हम 1 लाख में केक काटेंगे, तो सभी को इनवाइट करेंगे हम जी। तो चलिए 1 लाख अगर सब्सक्राइबर पूरा होगा तो मिठाई भी खिलाएंगे और हम भी जाएंगे इनके यहाँ मिठाई खाने के लिए, तो आप लोग इनको सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके, फिर मिलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।